जान गलियारे में भी आप लोग कदम रखेंगे, क्योंकि सेवा वहाँ भी की जाती है, लोग कहते हैं कि सेवा कर रहे हैं। मैंने अपनी बात में बतलाया कि जो कोई भी जहाँ कुछ सेवा कार्य कर रहे हैं, वो छठ पर्व पर अगर दूध बांट रहे हैं, राजनीति कर रहे हो वगैरह, हर चीज को राजनीति से देखना और करना तो फिर उसे न्यूज बनती है। बाबा ने कहा राजनीति में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। शुद्ध रूप से कोरोना काल में हम सब लोगों ने मनुष्य जीवन की सार्थकता और निरर्थकता के पेंडुलम को झूलते हुए अपनी आंखों के आगे देखा, और राजनीति और राजनेताओं से आपके भी संबंध रहे हैं, सौभाग्य दुर्भाग्य से मेरे भी संबंध रहे। हमारे आश्रम में भी झारखंड और बिहार के कई नेता एमपी एमएलए आते हैं। समोसा हम लोगों ने बनते हुए अगर देखा हो, यहाँ अभी खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप समोसा बनते हुए देख लेंगे कि किस आलू को कहाँ उबाला जाता है और कौन किस हाथ से उसको कहाँ बैठकर छिलके उतारता है और किस कढ़ाई के किस तेल में उसको छानता है और फिर कहाँ, तो आप अगर पूरा प्रोसेस देख लेंगे मित्र, मेरा विश्वास है कि आप उस दुकान का वो समोसा नहीं खा पाएंगे। चमकने वाली चीज तो लगती है, राजनीति में तो मंच से दिखलाई पड़ता है कि ये सीता का हरण हो रहा है, रावण ले जा रहा है, सीता विलाप कर रही है, आहा। लेकिन जब आप मेकअप रूम में जाएंगे तो सीता जी बीड़ी पी रही हैं, हनुमान जी की पूछ रावण ठीक कर रहा है। और इस राजनीति के द्वारा देश का कुछ अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। राजनीति का अपना एक धर्म होता है, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हमारे जैसे साधुओं ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया है धर्म का भी और राजनीति का भी। हमारे हिंदू वाङ्मय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ चतुष्टय बताए गए हैं, इन चारों में राजनीति कहीं नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से आज धर्म, अर्थ और काम के क्षेत्र के स्वयंभू लोग मोक्ष को प्राप्त करने के लिए राजनीति में ही जाना चाहते हैं, चाहे वो देश का बड़ा उद्योगपति परिवार हो, अर्थ के क्षेत्र का वो भी राज्यसभा जाना चाहते हैं, कला जगत के बड़े नाम हो, काम के क्षेत्र के वो भी जाना चाहते हैं। राजनीति से परहेज गुरेज नहीं है, लेकिन सेवा परिवार कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं होगी, सेवा परिवार कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, सेवा परिवार हमारे और आपके जैसे लोग जिनका अपना सामर्थ्य 100 काम करने का नहीं है, लेकिन 100 लोग जो जो काम कर रहे हैं उनके साथ अपनी सामर्थ्य से हम खड़े हो सकते हैं उसके नाते। झारखंड सेवा परिवार का बिहार में प्रथम था, और इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के प्रत्येक प्रखंडों में, पंचायतों में, मोहल्लों में, गलियों में, कहीं कहीं भी आप देखिएगा तो सेवा भाव से कार्य करने वाले लोग मिल जाएंगे वहां पे। लेकिन ऐसे लोगों का एक चेन नहीं है पूरे बिहार में। अभी महाराज जी ने कहा कि पूरे बिहार में काज तो करते हैं सेवा भाव से, लेकिन पूरा बिहार में ऐसी कोई चेन नहीं है कि कहीं मान लिया कि कोई काज कर रहा है और कुछ कमी रह गई तो उसके पीछे एक सपोर्ट करने वाली व्यवस्था वहां पे हो जाए और लोग उसको सपोर्ट करके उसकी काज को सफल करें, उसकी सफलता को और अंजाम पहुंचाने में उसकी मदद करें। तो सेवा परिवार के माध्यम से हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे बिहार में कहीं भी कोई भी कार्य हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं सेवा भाव से, यदि उसमें कोई कमी बेसी रह गया और हमारे सेवा परिवार के सदस्यों के संज्ञान में आया है, तो हम लोगों का प्रयास रहेगा प्रमुख रूप से कि उस कार्य को डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए और सामाजिकता में जो कमी रह गई है उसको पूरा किया जाए। धन्यवाद जीवन जी। देखिए ये प्रथम विचार बैठक था, और सेवा परिवार में जो भी लोग यहाँ पर आज के कार्यक्रम में आए हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सेवा का कार्य कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, और बार हो, बार के विभीषिका हो, कोरोना हो, अन्य कोई भी ऐसी आपदा हो, तो उसमें पहले से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग तो कार्य कर ही रहे हैं। और यदि कोई संज्ञान में हम लोग की बात आती है कि हमारे जो सेवा परिवार के लोग हैं कार्य कर रहे हैं, यदि हमारी भी भूमिका वहाँ पर सुनिश्चित होनी चाहिए, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पर हमारी भी भूमिका सुनिश्चित हो। एक सवाल है, क्या सब लोग जो सेवा कर रहे हैं उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हुए कि सेवा परिवार संगठन बनाने की जरूरत पड़ी? देखिए ऐसा है कि ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है और सब लोग कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को यह महसूस हुआ
अभी मैंने बताया कि प्रखंडों में, मोहल्लों में, पंचायतों में बहुत लोग हैं, महाराज जी ने बताया कि जहां पहले से सेवा कार्य लोग कर रहे हैं, लेकिन यदि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सेवा का कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि वैसे लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और उस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो सेवा कार्य को कर सकें और उसको अंजाम तक पहुंचा सकें, अपनी भावना को डेस्टिनेशन में बदल सकें।